हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आज के दिन काफी सारे बंदों को फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है, और हो सकता है आप सब कोई फ्री फायर ओपन ना हो रहा हो। लेकिन दोस्तों, आज आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे दोस्तों आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है फ्री फायर को ओपन करने में, तो वो ट्रिक करने के बाद दोस्तों आपका फ्री फायर ओपन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, ये ट्रिक आपको कोई भी यूट्यूबर बताने वाला नहीं है, और एक बात दोस्तों, ये ट्रिक करना बहुत ही इजी है, मतलब दोस्तों आप बहुत ही आसानी से ये ट्रिक को कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपका हर एक सेकंड बहुत ही कीमती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हो होम स्क्रीन पर, वहीं पे दोस्तों आपको समझाता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं। दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपने होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब दोस्तों जो मैं करने वाला हूँ, बस दोस्तों आपको वो सब करना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों सेटिंग्स ओपन कर लेते हो, उसके बाद दोस्तों आपको सर्च बार पे चले जाना है। सर्च बार पे जाते ही आपको DNS सर्च कर लेना होगा। DNS सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको दोस्तों सबसे पहला वाला को टच कर लेना है, जहाँ पे दोस्तों प्राइवेटनेस लिखा होगा, ठीक है। जैसे दोस्तों प्राइवेटनेस को टच कर लेते हो, आपको ठीक नीचे एक और प्राइवेटनेस दिख रहा होगा, जैसे कि दोस्तों मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आप प्राइवेटनेस को फिर से टच कर लोगे, फिर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, शो कर रहे होंगे, ओके। आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा ऑफ, सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटोमेटिक, थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा प्राइवेट DNS का, ठीक है। अब दोस्तों आपका DNS या तो दोस्तों ऑफ रहेगा, ठीक है, मैं आपको मार्क बता दे रहा हूँ, या तो दोस्तों ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन दोस्तों सबसे नीचे वाला जो DNS है वो बिल्कुल आपका सेट नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, ना ही आपको ऑफ रखना है, ना ही ऑटोमेटिक रखना है, आपको दोस्तों रखना है प्राइवेट DNS पर। मतलब दोस्तों प्राइवेट DNS पर आपको टच कर देना है। जैसे दोस्तों प्राइवेट DNS पर आप टच कर लेते हो, ठीक है, आपको सबसे नीचे जहाँ पर दिख रहा होगा DNS.google.com, आपको वहाँ पर कुछ इस प्रकार से ब्लैंक रहेगा, ठीक है। जैसे आपका ब्लैंक रहेगा, आपको ठीक कैपिटल अक्षर में लिख लेना है DNS.small अक्षर पे गूगल, फिर से आपको डॉट दे देना है और .com लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का, ठीक है, आपको वो सेव बटन को दबा देना है, ताकि दोस्तों आपको वो सेव हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, आपको अपने फ्री फायर को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख लोगे, आपका फ्री फायर कभी प्रॉब्लम बिल्कुल आपसे नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों आपने वो सेव कर लिया है। अब दोस्तों आपका फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा होगा, तो दोस्तों प्लीज़ आप मुझे नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखा हुआ है, आप मुझे वहाँ पर संपर्क कर सकते हो। तो बाय बाय दोस्तों, अब चलता हूँ, अब मेरा जाने का वक्त हो चुका है। टाटा दोस्तों।